देखिए दोस्तों, जितना भी कंपोनेंट देख रहे, देखिए इससे हम बनाएंगे जो सीआरटीटीवी का जो पावर सप्लाई होती है, वाला पावर सप्लाई बनाएंगे। आज जिस भी भाई मेरा चैनल बनाया है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो इसकी मत कीजिए, वीडियो नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, ठीक है। आज जिस भी हमारे चैनल बनाया है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलो पहले कंपोनेंट को हम सही से इसको लाइन करके बिठा लेंगे। देखिए ये प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, और ये ट्रांसफार्मर का ड्राइंग है। चलो पहले हम इसको फेविकॉल से इस बोर्ड में चिपका लेंगे। ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया, अब कैपेसिटर को ये 150 mA 450 वोल्ट का है कैपेसिटर। पावर मॉड्यूल को भी बढ़ा लिया, इंडक्टर कॉइल को भी बढ़ाएंगे। रेक्टिफायर डायोड है, इंडक्टर को बैठा दिया और रेक्टिफायर डायोड को एक साथ बिठा दिया। अब आउटपुट में जो कैपेसिटर सब बढ़ा देंगे। देखिए नेगेटिव सब एक तरफ करके बिठाएंगे। देखिए 47 mA का 150 वोल्ट का कैपेसिटर बैठा दिया, और ये तीनों जो कैपेसिटर है ये हायर MMD का 35 वोल्ट का है। देखिए हम नेगेटिव तो एक साइड, ये वाला भी कैपेसिटर बढ़ाएंगे। जितना नेगेटिव है कैपेसिटर का सब एक जगह पे हम ज्वाइन कर देंगे। ये वाला कैपेसिटर थोड़ा हिल गया, इसको हम अच्छे से फेविकॉल से इसको चिपका देंगे। देखिए ऐसा करके सब नेगेटिव पॉइंट एक जगह पे सोल्डिंग कर देंगे। तो इस वायर सब इस जगह सब सोल्डिंग कर देंगे। नेगेटिव को मैंने पूरा सोल्डिंग कर दिया कैपेसिटर का। अब ए नेगेटिव घूम के मेरा ट्रांसफार्मर में जाएगा। सेकेंडरी सेक्शन में जो फास्ट जो ऊपर जो पिन है ट्रांसफार्मर का ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे जाके सोल्डिंग हो जाएगा। देखिए इंडक्टर कॉइल के में 220 के रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ जो MI फिल्टर में। एक कैपेसिटर भी वो लगा दिया।
जो रेक्टिफायर का जो डायोड बीच में जो पिन है, दोनों पिन वो एसी इनपुट होगा और दोनों तरफ से नेगेटिव और पॉजिटिव होके डीसी बनेगा। इंडक्टर कॉइल तक रेक्टिफायर हो या ये एमआई सेक्शन हो जाती है। देखिए ये वाला जो डायोड है 155, जितना डायोड है सब 155 मैंने यूज किया। जो 110 वोल्ट आउटपुट होती है उस कैपेसिटर में लगाया डायोड को, और सेकेंड पिन को हम सोल्डिंग करेंगे। देखिए जो डायट है ये भी 195 जो डायट है, ये 26 वोल्ट देखिए एक पिन को छोड़ के मैं दोबारा दूसरे पिन पे लगा रहूँगा। देखिए ये वाला 12 वोल्ट, उसकी बाजू में जो 26 वोल्ट आउटपुट होती है उसकी बाजू में अबे जो साउंड का विशेष जाती है 18 वोल्ट, एकदम लास्ट पिन मेरा आउटपुट का सब हो गया। अब इनपुट में देखिए जो मॉड्यूल का जो रेड वायर है ट्रांसफार्मर की फर्स्ट पिन पे लगेगा, जो ड्रेन पिन होती है जो स्विचिंग का काम करती है चौपड़ की, एक तो ग्राउंड पे लग गया कैपेसिटर का। और देखिए 110 वोल्ट का जो फीडबैक होती है जो येलो वायर ले लिया, और एक तो ग्राउंड ब्लू वायर उसको भी सोल्डिंग कर दिया। देखिए रेक्टिफायर से पॉजिटिव निकाल के बड़ा वाला जो फिल्टर कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव पे गया और ये ट्रांसफार्मर में जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर का तीन तीन नंबर पे दे रहा है, जो रेड वाला लगा हुआ है इसमें उसकी बाजू में एक तो पिन को छोड़ के तीन नंबर पे लगा दिया। अब एक तो एनसी है
उसके बाद ग्राउंड है, अब एक तो ग्राउंड पिन देखिए, जो ऑडियो है, ऑडियो जो सेक्शन में आउटपुट होती है और जो वोल्टेज, उसका अलग से मैं इसका ग्राउंड दिया। और एक तो वह एक तो ग्राउंड जाएगा चौपड़ की, चलो ट्रांसफार्मर का ग्राउंड दे देते हैं। चलो अब बन गया, अब इसमें हम एसी वायर लगा रहे हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर येलो कलर और रेजिस्टेंस और इंडिक्टर कॉइल, ठीक है, इतना दूर तक आ रहा है, मतलब मेरा एमआई फिल्टर है। एसी के अंदर में कुछ भी डिस्टर्ब रहेगा उसको प्योर एसी करके मुझे रेक्टिफायर तक देगा। रेक्टिफायर से आउट होके डीसी, इस बड़ा वाला जो फिल्टर कैपेसिटर है इसमें प्योर हमें डीसी मिलेगा। इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करने के लिए मैंने मॉड्यूल लगाया, अब इसको हम पावर देंगे और वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। देखिए हम वोल्टेज को 600 रेंज पर रख दिया डीसी को, और पावर दे दिया कैपेसिटर में, वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए 300 वोल्ट, आउटपुट भी चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए 130 वोल्टेज ज़्यादा निकल रहा है, बट मुझे मॉड्यूल से इसको एडजस्ट करने से हो जाएगा। देखिए सब आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है, सब में आ रहा है। देखिए सब में मेरा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। मॉड्यूल टाइम एडजस्ट करेंगे कि वोल्टेज को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।